हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रमेश एग्जाम पेपर। मैं तुम सारे पता लगी गया होना कि 1 फरवरी तो पहलों तेरे पेपर लै जाने, मतलब यदा स्पष्ट हो गया कि हम 16 जड़े जनवरी तो पेपर का डेटशीट आई सी उ डेटशीट ता चलना दोस्तों, ठीक है। तो इन्हों की तैयारी लिए असं लैके पहलो जड़े ये तुम्हें 2 प्रकार के क्वेश्चन करावे, मतलब 10वीं जमात के 12-24 नंबर पक्के करावे। ये 12 नंबर बहु विकल प्रश्न जिन्हें भी तुम आ सकते ये आना, एंड जो ऑब्जेक्टिव टाइम जिन्होंने कहते हैं बहु विकल देख वस्तु निष्ठ प्रश्न जो होंगे लिखने होंगे छोटे उत्तर बारे वो तुम करावे, ठीक है। सो तेरे लिए कोशिश करा कि जो पूरी सिलेबस का ना जिन्हें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए 5 साल बोर्ड विचों वो तुम जल्द ही प्रोवाइड किया जाए, ठीक है दोस्तों, तुहाडे सहूलत लई। सो स्टार्ट करिए वीडियो को, जेकर तुम्हें तो नवे प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर लो ता जो वीडियो नोटिफिकेशन तुम जल्दी मिलते, अस जल्दी 10वीं तो लैके आए, जल्दी 8वीं क्लास के एंड बाकी क्लासों का भी पेपर एंड सैंपल पेपर एंड मटीरियल लैके आने। मटीरियल इस बार जल्द ज़्यादातर सोचते हैं कि प्री जी बोर्ड एग्जाम पेपर 8वीं क्लास 10वीं क्लास प्रोवाइड करिए, क्योंकि इन्हों का पेपर बोर्ड एग्जाम का, ठीक है दोस्तों। सो स्टार्ट कर दे, फर्स्ट क्वेश्चन है भारत दे दक्षण विच केड़ा महासागर है। तुहानू सारयां नू पता होना, मैं तो अगला राइट आंसर बोलूँगा, जो ऑप्शन पढ़े वीडियो लेंथी हो जाऊगी, ठीक है दोस्तों। सो हिंद महासागर जी करैक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रश्न, दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्री देश केड़ा है। सो पढ़ी लेने ऑप्शन ओड़ा ऑप्शन चीन, ऐड़ा अमरीका, ईड़ी कनेडा, ईड़े ऑप्शन कनेडा, तो सस्सा कि भारत। सो राइट आंसर अपना भारत है, ठीक है भारत, ठीक है दोस्तों। एंड थर्ड पढ़ लेने, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षण में स्थित है, इस कारण इसको होर किस नाम नाल पुकारा जाता है। हाँ जी, दक्षण में स्थित है दक्षिण एशिया दोस्तों, ठीक है, ऐड ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। सो अगे वधीए, जेकर तुसीं ध्यान नाल सुनोगे तुहानू एक बार जो याद हो जाना, जो मैं तो एक बार वैसे याद हो जाता पढ़ना भी तो सुनना भी। तो चौथा क्वेश्चन, केड़ी नहर दे खुलन कारण भारत नू पछमी यूरोप नाल व्यापार विच आसानी हुई सी। हाँ जी, स्वेज नहर तुसी पढ़िया भी होना, सस्सा ऑप्शन जी करैक्ट आंसर, ठीक है। अगे देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, महान हिमालय भारत दे किस पासे स्थित है। हाँ जी, महान हिमालय अपना सारे पता उत्तर हिमालय हैगा, सो ईडी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर दोस्तों। एंड छेवां क्वेश्चन, कश्मीर तो कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है। हाँ जी, 3214 किलोमीटर है, तो अरुणाचल तो वो की कहते गुजरात की दूरी कितनी है, 2200 मेरे ख्याल 2214 किलोमीटर नहीं 2933 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी बाई चांस आ सकता ता मैं तुम्हें दसिया ना, हूँ मैं सीधे टिक लाया हुआ मैं दस पढ़ी जाना, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न 7, खेत्रफल के हिसाब नाल भारत संसार में किन्ने स्थान पर आ जाता है। ऑप्शन ओड़ा 8वें, ऐड़ा 7वें, ईड़ी 6वें, तो सस्सा 5वें। सो राइट आंसर आ जाना ऐड़ा ऑप्शन 7वें स्थान पर। प्रश्न 8, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को अजोका पंजाब राज किस आधार पर होंद विच आया है। उत्तर हैगा ईडी ऑप्शन भाषा के आधार पर, ठीक है। हुण प्रश्न 9, भारत के किस राज विच जनसंख्या सब तो घट है। हाँ जी, किस पूछे जनसंख्या के दृष्टिकोण तो कड़ा घट है, सिक्किम। जेकर तुहानू इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है वाला भारत के किस राज में जनसंख्या सब तो वड्डा है, वह उत्तर प्रदेश होना, ठीक है। जो बद पुछे तो उत्तर प्रदेश, तो घट पुछे तो सिक्किम। तो एक होर भी कहते खेत्रफल पक्षों आ गया 10वां क्वेश्चन, खेत्रफल पक्षों भारत का सब तो वड्डे राज का नाँ दसो। हाँ जी, राजस्थान। जेकर तुहानू इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता खेत्रफल पक्षों भारत के सब तो छोटा राज केड़ा है, फिर गोवा आना, ठीक है दोस्तों। इतने वैसे आया नहीं क्वेश्चन, मैं तुम्हें दसता इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रश्न 11, भारत का खेत्रफल संसार के खेत्रफल का किन्ने प्रतिशत बनता है। हाँ जी, संसार के खेत्रफल के मुकाबले ओड़ा ऑप्शन राइट है जाना 2.2% है, ठीक है।
एंड 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वां क्वेश्चन की कह रहे हैं, आज़ादी तो पहला भारत किन्निया रियासतां विच वंडिया होया सी। हाँ जी, आज़ादी तो पहलो हैगा दी गल कह रहे तो 562 रियासतां। ठीक है दोस्तों, सो एड ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न 13, भारत दे किस राज दी जनसंख्या दी घनता मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर सब तो घट पूछी दोस्तों, और उसका राइट आंसर आ जाना अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 14, भारत की सब तो उच्ची चोटी केड़ी है। भारत की पूछ रहा फिर गोडमिन आस्टी ते जे संसार दे पूछे तो आई थिंक माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ते हम 15वां क्वेश्चन देख लेंगे दोस्त। सिक्किम विच स्थित सब तो उच्ची चोटी का नाँ दसो। हाँ जी, सिक्किम च तुहानू पता ही होना कंचनजंगा, इज करैक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 16, इंदिरा पॉइंट भारत के किड़े सीमा बिंदु उत्ते स्थित है। हाँ जी, इंदिरा पॉइंट की गल हो रही तो तुहानू सारे नू पता होना दक्षणी सीमा। तो ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन, नदी के हेठले भाग नू की आखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तुहानू सारे नू पता ही होना नदी के हेठले भाग नू डेल्टा कहते हैं। इस तरह का डेल्टा हमेशा तिकोण आकार में होता, मैं तुहानू दिखा देना इस तरह के, सी जो समुद्र से निकलते छोटे छोटे दरियावे बन जाता तिकोण आकार का। ठीक है दोस्तों, इस डेल्टा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बरनाला माला कुदरे मुख अते पुष्पागिरी किस घाट दी चोटियां हन। हाँ जी दोस्तों, वैसे मैं फर्स्ट बार क्वेश्चन पढ़ रहा, इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, एंड प्रश्न 19, किसी साधन की धरातली विभिन्नता भिन्नता समुद्र तो दूरी अते भूमध रेखा तो दूरी कारण सब तो ज़्यादा असर किस उत्ते पैंदा है। हाँ जी, तुहानू सारे ने पता होना जलवायु ते। ठीक है, हुण प्रश्न 20, किहड़ी रेखा भारत दे जलवायु नू दो भागां विच वंडदी है। तुहानू सारे ने पता होना दो भागां विच वंडदी जिहड़ी है वह कर्क रेखा। 21वां प्रश्न है, धरती तो 3 किलोमीटर उपर वल ते संचारी चक्कर नूं की कहा जाता है। हाँ जी, तुहानू सारे नूं पता है ना जेट स्ट्रीम। हुण प्रश्न 22, दक्षण पछमी मानसून पौना जदों 1 जून नूं पछमी तट ते बहुत ज़्यादा वर्खा करदियां हन तां इस नूं की कहिंदे हन। हाँ जी, तो इनू मानसून का फटना कहते हैं दोस्तों, ईडी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। प्रश्न 23, देश विच मानसून पौना द्वारा होने वाली वर्खा का समा केड़ा है। हाँ जी, वर्खा का समा तुहानू पता ही ना सारे नू, जून अते सितंबर तो ज़्यादातर वर्खा होती है। ठीक है, प्रश्न 24, खाड़ी बंगाल जां अरब सागर विच ओसन चक्रवातों का कारण पैदा होने वाले खुशक समय नूं की कहा जाता है। हाँ जी, मानसूनी रुकावट दोस्तों, राइट आंसर ऊड ऑप्शन। प्रश्न 25, देश की सब तो वध वर्खा लगभग 1000 सेंटीमीटर किस राज विच हुंदा है। हाँ जी दोस्तों, राइट आंसर मेघालय। वैसे तुहानू दोस्तों इहदे विच मेघालय का पेपर तुहानू इदां भी आ सकदा मेघालय विच चेरापूंजी या चेरापूंजी भी आ सकता तो या उहदे विच चेरापूंजी की जगह मसीसरम आई थिंक दे ना है मसीसरम। ठीक है, वो आ सकता उत्थे ज़्यादा 1000 सेंटीमीटर तो वध वर्खा भी होंगी। ठीक है दोस्तों, सारा साल हमेशा लगभग अज भी वर्षा वर्खा होंगी रही। ठीक है, उत्थे कभी भी ना वर्खा ना होने के हिसाब ना ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला 26वां क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम विच देश के दो मैदानी भागों विच शीत लहर के लक्षण शीत लहर के चलन कारण की पैदा होंदा है। हाँ जी, कक्कड़ आ जाना सस्ता ऑप्शन कक्कड़। ठीक है, कक्कड़। प्रश्न 27, 21 मार्च तो बाद सूरज दियां किरणां कर्क रेखा ते सिद्धियां पैण कारण उत्तर पछम भागों का तापमान किन्ने डिग्री तक बढ़ जाती है
ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮ ਪੌਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੌਣਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰਬ ਮੌਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੌਣਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰਬ ਮੌਨਸੂਨ ਇਹ ਮਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 30, ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਜੈੱਟ ਸਟਰੀਮ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੋਸਤੋ, 31ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਲ ਵਿਸਾਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34, ਜਵਾੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਰ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂਗਰੋਵ, ਦਲਦਲੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ, ਜਲ ਹਾਇਸਿੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਥਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਥਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, 5.7%। ਤੁਸੀਂ 22% ਵੀ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਠੀਕ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਨਾ ਈੜੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38, ਜੀਵ ਰਖਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਕਾਜੀ ਗੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਸਾਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 39, ਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40, ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਫੋਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ 42ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਕਣਕ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 43, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਗੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 44ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 45, ਦਾਮੋਦਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 46,
उद्योगिक क्रांति का जन्मदाता केड़ा देश है? उत्तरायन इंग्लैंड। प्रश्न 47, बॉक्साइट कच्ची धात तो केड़ी धात पैदा की जाती है? हाँ जी एल्यूमीनियम। ठीक है राइट आंसर है। प्रश्न 48, बेला डीला खाना तो मुख्य रूप विच केड़ा खनिज कढ़िया जाता है? उत्तरायन लोहा। प्रश्न 49, वायुमंडल विच ग्रीन हाउस असर बदन नाल सारे संसार का तापमान बढ़ सकता है या किस गैस के बदन कारण हो रहा है? उत्तरायन कार्बन डाइऑक्साइड ये बदन नाल हो रहा है। ठीक है हुण 50 क्वेश्चन देखते हैं। खेतीबाड़ी खेतर तो देश के लगभग 2/3 मजदूरों नूं रुजगार मिलता है। इस खेतर तो कुल राष्ट्रीय आमदन का किन्ने % हिस्सा प्राप्त होता है? हाँ जी 29.9% दिता। वैसे जेकर तुहानू 17 कुछ भी आ सकता, 17.2% भी आ सकता दोस्तों। इतने 19.9 दिता हुआ। वैसे मेरे ख्याल 17.2 होंगे राइट आंसर, ऑप्शन है नहीं इसलिए तो 19.9 तो तुम टिक करना। नहीं वैसे आऊगा तो 17.2 ही टिक करो जे करा वे। ठीक 51 क्वेश्चन, मक्की मूल रूप में किस देश की फसल है? हाँ जी अमरीका की फसल दोस्तों मक्की जड़ी है। 52 क्वेश्चन, गन्ना तेल बीज कपाह पटसन रबड़ ऊन तंबाकू आदि किस किस्म की फसलों की श्रेणी में आती है? हाँ जी किस किस्म की फसल तुम्हें पता ही होना व्यापारक फसल है। ठीक है क्योंकि सारे व्यापार महंगी फसल ठीक है इसलिए व्यापारक फसल कहते हैं। अगला हूँ जल्दी मुक फिर एक अंक अंक वाले क्वेश्चन आ जाने। 53 क्वेश्चन, 53, भारत का जनसंख्या पक्षों संसार विच केड़ा स्थान है? हाँ जी पर जनसंख्या पक्षों भी दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है इतने जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन 54, पंजाब विच भारत दे किन्ने % जनसंख्या बढ़ती है? हाँ जी 2.5%। ठीक है अगला क्वेश्चन 55, 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सब तो साखर राज केड़ा है? हाँ जी केड़ा सी या केड़ा है केरला। ठीक है राइट आंसर है। 56 क्वेश्चन, भारत के किड़े संघी खेत्र की जनसंख्या घनता सब तो वध है? हाँ जी उत्तरायन दिल्ली। अगे लिखती वस्तु निष्ठ प्रश्न जोड़े आ एक एक मार्क्स वाले वो भी देख लेने। ठीक है 2 मार्क्स वाले बिचो आ सकते दोस्तों वो भी देख लेंगे आप। प्रश्न 1, भारत का आधुनिक नाम इंडिया किस धारणा ते आधारित है? उत्तरायन भारत का आधुनिक नाम इंडिया सिंधु नदी तो पिया है। प्रश्न 2, धरती उत्ते भारत की की स्थिति है? उत्तर धरती उत्ते भारत के उत्तरी अर्धगोले विच है। ठीक है अगला प्रश्न 3, हिंद महासागर विच भारत की की स्थिति है? हाँ जी हिंद महासागर विच भारत की केंद्रीय स्थिति है दोस्तों। प्रश्न 4, भारत का खेत्रफल कितना है? उत्तर भारत का खेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 5, भारत के उत्तरी दक्षिणी और पूर्व पछमी सीमा बिंदु विचकार लंबाई कितनी है? हाँ जी तुहानू तो दस्सिया जी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न विच कि भारत के उत्तर तो दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर अते पूर्व तो पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर मैं दस्सिया सी ना तुहानू। हाँ जी प्रश्न 6, भारत दियां थलवर्ती तटवर्ती सीमावां किन्निया हन? हाँ जी उत्तर है थलवर्ती सीमावां 15,200 किलोमीटर तटवर्ती सीमावां 6,83 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 7, खेत्रफल पक्षों भारत का संसार विच की स्थान है? हाँ जी खेत्रफल पक्षों 7वां स्थान है दोस्तों। प्रश्न 8, साढ़े अजोके पंजाब राज का
ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਖੇਤਰਫਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਗੋਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸਿੱਕਿਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ, ਚੌਥਾ ਤੱਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13, ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਥਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਿਕੋਣ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨ 640 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੀਮਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਇੰਦਰਾ ਪੁੰਜ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਧਰਾਤਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੌਸਮੀ ਪੌਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੇਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 18, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਹੈਗਾ ਲੇਹ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮਾਨਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚੇਰਾਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੇਰਾਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਰਾਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਮਾਸੀਡਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 20, ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸਮ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਸਮ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਾਨ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21, ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 22, ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਥਾਨਕ ਪੌਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨੀ ਤੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾ ਚਿਲੀ ਦੇ ਤੱਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 27, ਕਾਲ ਵਿਸਾਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਸਾਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 28, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਜਲ ਹਾਇਥਿਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 29, ਰਾਜਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰਾਜਵਨ ਉਹ ਬਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉੱਤਰ, ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂਗਰੋਵ, ਦਲਦਲੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 31, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਚੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚੀਤਾ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਪਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਰੁਕੋ, ਚੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਮੋਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਚੀਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਮੋਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 32, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਚਟਾਨੇ ਚੂਰੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 33, ਭੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਿੱਕੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 34ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਚੌਲ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਆਂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 36ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 33% ਜੰਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 22.7%, 33% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 37ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
प्रश्न 38 चौलां दे उत्पादन विच सब तो वड्डे राज दा नां की है? उत्तर है चौलां दे उत्पादन विच सब तो वड्डा राज पश्चिमी बंगाल है। प्रश्न 39 पंजाब प्रति हैक्टेयर कणक दी पैदावार दे हिसाब नाल देश विच केड़े स्थान ते आउंदा है? हाँ जी, प्रति हैक्टेयर नाल पहले स्थान ते आउंदा दोस्तों। प्रश्न 40 मुख खनिज पदार्थों के नाम दसो। हाँ जी, मुख खनिज पदार्थ केड़े केड़े हैं? लोहा, मैगनीशियम, कोयला, चूने, पत्थ ते बाइक साइट अते अबरक। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 41 मैगनीज खनिज की वरतों किस काम लई कीती जांदी है? उत्तर मैगनीज खनिज की वरतों इस्पात बनाउन लई कीती जांदी है। बतालवां क्वेश्चन है मैगनीज की कच्ची धात दे उत्पादन विच भारत दा संसार विच की स्थान है? हाँ जी, मैगनीज की कच्ची धात दे उत्पादन विच भारत दा संसार विच चौथा स्थान है। हुण 43वां क्वेश्चन अकबर दे उत्पादन विच भारत दा संसार विच की स्थान है? हाँ जी, अकबर उत्पादन विच संसार विच पहला स्थान है दोस्तों। कुल अपने सब नाल कुल अकबर उत्पादन दा अद्धे तो वध उत्पादन करन वाले राज्यां दा नां दसो। उत्तर कोला अकबर उत्पादन दा अद्धे तो वध उत्पादन जना हैगा बिहार अते झारखंड। प्रश्न 45 अबरक दा प्रयोग किस उद्योग विच हुंदा है? हाँ जी, बिजली उद्योग विच हुंदा। ठीक है, बैकसाइड कच्ची धात तो केड़ी धात पैदा हुंदी है? बैकसाइड कच्ची धात तो एल्यूमीनियम धात पैदा हुंदी है। पहले ही पढ़े सी आपां। हुण तांबे दी धात दी वरतों किहड़े कम्मां विच कीती जांदी है? हाँ जी, तांबे दी इह वरतों घरेलू बर्तन बनाउण लई बिजली उद्योगां विच कीती जांदी है। हुण 48वां क्वेश्चन सोना उत्पादन दा मुख खेतर कित्थे अते किस राज विच है? उत्तर सोना उत्पादन दा मुख खेतर कोलार अते कर्नाटक राज विच स्थित है। 49वां क्वेश्चन है चूने दे पत्थर दा प्रयोग किहड़े उद्योग विच सब तो वध हुंदा है? चूने दे पत्थर दा उपयोग सब तो वध हुंदा सीमेंट उद्योग विच। 50-50 क्वेश्चन कोले दे उत्पादन विच भारत दा स्थान संसार विच की स्थान है? हाँ जी, कोला उत्पादन विच भारत दा तीसरा स्थान है। ठीक है, ते दोमदर घाटी विच देश दे कोल भंडार दा किन्ना हिस्सा कोला मिलता है? हाँ जी, दोमदर घाटी विच देश दे कोल भंडार दा 3/4 कोला। ठीक है, 3/4 मिलता है भाग। ठीक है, प्रश्न 52 कोले उत्पादन दे प्रबंध अते प्रशासन दा काम देश दे किस संस्था कोल है? हाँ जी, कोला इंडिया लिमिटेड संस्था कोल। ठीक है, प्रश्न 53 बैला डीला खाना तो किस खनिज पदार्थ की खुदाई की गई ही? पहले ही पढ़िया ही आपां, बैला डीला खाना तो लोहे की खुदाई की जाती है। कोलार खाना तो केड़ा खनिज कढ़िया जाता है? कोलार खाना तो सोना कढ़िया जाता है। प्रश्न 55 हाँ जी, हुण लास्ट क्वेश्चन पिछे रह गए जिन्ने क्वेश्चन अपने उदो नक्शा स्टार्ट हो जाता। लिगनाइट नूं केड़े दूसरे नां नाल जाणिया जाता है? हाँ जी, लिगनाइट नूं भूरा कोला आखदे हन। ठीक है, 56वां क्वेश्चन 56 किस देश दा सब तो वड्डा वडमुला साधन की है? हाँ जी, बौद्धिक अते शरीरिक तौर ते मजबूत नागरिक ही किसे देश दा वडमुला साधन हुंदे हन? हुण लास्ट क्वेश्चन है भारत दा जनसंख्या दी नज़र तो संसार विच की स्थान है? हाँ, जनसंख्या नज़र दूसरा। अगे नक्शे स्टार्ट हो जाए दोस्तों, जेकर नक्शे तुसीं करना तां मैं दूसरी वीडियो प्रोवाइड करूँगा चंगी तरह समझा के। ठीक है, वैसे तुसीं इहदा देखना देख लो, वैसे नक्शे बहुत थे रहे, मैं तुहानूं जल्दी ही सारे नक्शे भी कराऊँगा। यही नक्शे तुहानूं आउंदे विचों तुहानूं आउंगे, इस तों इलावा होर कुछ नहीं आना दोस्तों। ठीक है, सो चंगी तरह कुछ कर लियो,
तो जल्द ही तुहानू नक्शे भी प्रोवाइड कर दें। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में, नक्शे तुहानू बाद दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर दोस्तों, ठीक है। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में, तद तक ले बाय। जेकर तुसीं हले भी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लो। हुण अठवीं वाले दे विच जल्द ही ना मटीरियल तैयार कर लैंदे आ। तो मैं चाहुंदा एक इदां दी वीडियो बनाई सारा, मतलब बड़े छोटे एंड जिन्ने भी क्वेश्चन बन सकते पूरे सिलेबस विचों मैं तैयार करा, ठीक है। सो जल्द ही वो भी तुहानू तैयार करूँगा, मैक्सीमम दो घंटे या दो तो थोड़ा वध हो जाए, 15 मिनट दे, दो घंटा 15 मिनट। मैं तुहानू सारे सिलेबस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चक देना, ठीक है दोस्तों, जिन्ने भी बनते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल दो घंटे लगभग वो भी सोच जाना, 5 साल के लगभग जिन्ने भी आए हो ना, उस तो अलावा कुछ नहीं आना। थोड़ा मैं तुहानू सौखा कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जेकर वही क्वेश्चन जो थोड़े 90+ 95+ लेना तो तुसी वही थोड़ा गाइड च कर लियो, मैं थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन तुहानू कराऊंगा वो वाला भी सौखे तरीके, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो, तद तक ले बाय।